अब आपको सीधा लेकर चलते हैं आजमगढ़, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और विभिन्न विश्वविद्यालय बनने से खुश है ना? विश्वविद्यालय बनेगा आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर। जब विश्वविद्यालय बनेगा, महाराज सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा जब होगी और वह यहां के लोगों में डिग्री में जब अंकित होगा, तो यहां से निकला हुआ नौजवान जहां भी जाएगा, हर भारत विरोधी आतंकी के सीने में कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का कार्य करेगा और उन्हें संदेश देगा कि 11वीं सदी में महाराज सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को नाके चनो चने चबाने के लिए मजबूर किया था, उसकी पूरी सेना को रौन करके सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था और उस महान हिंदू सम्राट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के सस्ती गृह और सहकारिता मंत्री के कर कमलों से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करके आतंक के कलंक से मुक्त करने और आजमगढ़ को उसकी सही पहचान आर्यमगढ़ देने का काम भी कर। भाइयों बहनों, जब रामपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यहां के दलितों और गरीबों की संपत्ति पर समाजवादी पार्टी के एक मंत्री आजम खां के द्वारा कब्जा कराया जा रहा था, गरीबों और दलितों को जाड़ा जा रहा था, समाजवादी पार्टी मौन थी और बसपा भी मौन थी, कांग्रेस को कोई लेना देना ही नहीं था। कांग्रेस तो हमेशा के लिए जनता ने उसे सुला दिया था। अगर उस समय भी विपक्ष में रहते हुए कोई संघर्ष कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी और दलितों पर अत्याचार करने वाले, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए आज हर व्यक्ति जान रहा है। भाइयों बहनों, विकास कैसे होना चाहिए आज आजमगढ़ भी देख रहा है। आजमगढ़ के लोगों ने भले ही 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद न चुना हो, लेकिन विकास के पैमाने पर भेदभाव नहीं हो पाया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया। आज आप जाएंगे लखनऊ की दूरी को मात्र 2.5 घंटे के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। एयरपोर्ट बन रहा है आजमगढ़ में। जो लोग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और दुनिया के किसी भी देश में कमा रहे होंगे, देश के अंदर 1 घंटे में आजमगढ़ की दूरी, लालगंज की दूरी तय की जा सकती है और विदेश में भी लगने वाले कई कई दिन अब समाप्त। अब एक ही दिन में आप आजमगढ़ से बैठे एयरपोर्ट से और सीधे दुबई चले गए, इंग्लैंड तक पहुंच सकते हैं। यहां के बहुत सारे लोग थाईलैंड में हैं, सिंगापुर में हैं, लाओस में हैं, कंबोडिया में हैं, इंडोनेशिया में हैं। वहां पहुंचने में भी 1 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपको दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा, कुछ ही समय के बाद आजमगढ़ के एयरपोर्ट से वायु सेवा प्रारंभ होगी और आजमगढ़ के लोगों को सीधे कनेक्टिविटी देगी। ये कार्य समाजवादी पार्टी ने ही करी थी, ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया, ये काम कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। उनके लिए तो उनका कुनबा ही उनका परिवार है और अब उनका परिवार ही पूरा प्रदेश है, उनके लिए वही कुनबा ही पूरा देश है। लेकिन मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है।
मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। आजमगढ़ से सांसद भले ही समाजवादी पार्टी का रहा हो, लेकिन आजमगढ़ के लोगों के सुख दुख में कोई आया है तो हम लोग आए हैं, भाजपा के लोग आए हैं। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, यहां पर या तो अरुण कांत यादव जनता की सेवा कर रहे थे या फिर श्री जसवंत सिंह सेवा कर रहे थे या श्री विजय बहादुर पाठक सेवा कर रहे थे, श्रीमती नीलम सोनकर सेवा कर रही थी, श्री ऋषा कृषिकांत राय यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा कर रहे थे, मोदी जी पूरे देश के अंदर घूम रहे थे जनता की सेवा के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए। मैं जनपद जनपद में जा रहा था, तीन बार कोरोना कालखंड में आजमगढ़ आया, लेकिन आजमगढ़ का सांसद आजमगढ़ में नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, आइसोलेशन में थे, कोरोना से भयभीत हो गए थे। न तो जब कोरोना का आतंक था, कोरोना का कहर था, तब भाई बहन भी गायब हो गए थे, बुआ बबुआ भी गायब थे, सभी लोग गायब थे। तब केवल भाजपा काम कर रही थी, हमारे सांसद नहीं थे यहां पे थे, लेकिन पूर्व सांसद विधायक पूर्व विधायक ये लोग कार्य कर रहे थे। और इसीलिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी है, अवसरवादी साथी नहीं होता है, अवसरवादी साथी नहीं होता है। और जो पहचान का संकट खड़ा कर दे वह तो और भी खतरनाक हो जाता है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज आजमगढ़ को विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दोहरी घाट से लेकर के जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए 4 लेन और एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, ये सब किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सबको फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन। राशन मिला कि नहीं मिला है? मैं पूछना चाहता हूं, माताओं को ज्यादा चिंता होगी राशन की, राशन मिला कि नहीं मिला है? आप हाथ खड़ा करिए। और मैं यही पूछना चाहता हूं, अभी तो दिसंबर से लेकर के होली तक महीने में 2 बार फ्री राशन मिलेगा, 2 बार, ये 2 बार फ्री में राशन कैसे? एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और एक बार प्रदेश सरकार के द्वारा। हर अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। और